डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अपा 10th क्लास की नैस की असाइनमेंट शीट 12 कर जा रहे हैं। बेटा जी, वीडियो लाइक शेयर चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना ता कि तुम नैक्सट वीडियोज़ ने मिलद रहन। ठीक है बेटा, देखो फस्ट क्वेश्चन है अपने कोल, इन्हों विचों केड़ा बहुपद दी सिफर है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो मतलब कि ये एक्स की आप वैल्यू पुट करिए जो अपने को आंसर जीरो बन जाए। ठीक है, जिमें अपने को इक्वेशन है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस दे टू। ठीक है, चलो पहले आप एक्स वन पुट करते हैं, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वेयर प्लस टू इंटू वन माइनस टू, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वेयर वन, टू नू वन ना किता टू माइनस टू, ये भी कैंसल आउट हो गया बेटा, ये भी कैंसल आउट हो गया, अपने को आंसर कितना आ गया जीरो। ठीक है, इतनी तुम बाकी वैल्यूज भी पुट करके चैक कर सकते हो, पर बेटा अपना आंसर फर्स्ट ही सही आ गया, तो वन की है बेटा यदि सिफर जीरो। नैक्सट देखो, घात एक दे बहुपद नूं की कहिंदे हन। ठीक है, जिहड़ी पॉलीनोमियल डिग्री वन हुंदी आ बेटा उहनूं की बोलदे आ आपां, रेखी बहुपद। ठीक है, लीनियर, की बोलते हैं रेखी बहुपद लीनियर, जिदी दो डिग्री टू होवे उन्हें दो घाती क्वाड्रेटिक, जिदी डिग्री तीन होवे उन्हें तीन घाती क्यूबिक। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो, एक दो घाती समीकरण दत्ती हुई है बेटा अपन का कोई वास्तविक मूल संभव नहीं होंदा, जेकर कदों संभव नहीं होंदा, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की हो बेटा जी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला की होंदा अपने कोल, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ठीक है, जो डी नैगेटिव हों बेटा फिर रूट्स आर नॉट पॉसीबल, जो डी इक्वल टू जीरो हो रूट्स पॉसीबल होंगे ने, रियल होंगे ने। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ की होंगे ने इक्वल, जो डी बेटा ग्रेटर दैन जीरो हो फिर रूट रियल होंगे ने, मतलब वास्तविक होंगे ने। ठीक है, तो पॉसीबल है हूँ डी की आ कदों नॉट कदों नॉन रियल रूट्स होंगे ने, इट मीन जो डी की होगा लैस दैन जीरो। नैक्सट देखो बेटा, एक दो घाती समीकरण दे मूल देते रूट्स देते वन एंड थ्री, तो समीकरण दसनी है बेटा अपना इक्वेशन दसनी है। ठीक है, रूट्स की ने अपने को वन ऑफ थ्री, समीकरण इक्वेशन का फार्मूला की होंगे बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू जीरो आप रखांगे। देखो बेटा, ये अपने को सम कि आ गया, दोनों रूट्स का जोड़ वन प्लस थ्री कि बन गया फोर, तो प्रोडक्ट कि बनू अपने को वन इंटू थ्री। ठीक है, कि आ गया अपने को थ्री, इस वैल्यूज पुट कर दो, अपने को बन गया एक्स स्केयर माइनस सम कि बेटा फोर एक्स प्लस पी कि अपने को थ्री इज इक्वल टू जीरो, अपना आंसर आ गया बेटा एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, कि ऑप्शन आ गई बेटा जी देखो बी। ठीक है, अपना आंसर आ गया बेटा जी बी। नैक्सट देखो, दो घाती बहुपद सिफर का जोड़फल और गुणफल पता करो, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, देखो सम सम का फार्मूला की होंगे अपने को, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स स्केयर का एक्स का गुणाक बटा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर मतलब एक्स स्केयर का गुणाक। देखो एक्स का गुणाक कि बेटा अपने को सैवन माइनस दे सैवन बार माइनस आ, देखो फार्मूले एक्स स्केयर का गुणाक, एक्स स्केयर ना कुछ नहीं तो की पावे आप वन। ठीक है, तो सम की वैल्यू कि आ गई अपने को माइनस दे सैवन, उस तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हूँ अपने प्रोडक्ट गुणफल फाइंड आउट करना बेटा, प्रोडक्ट का फार्मूला की होंगे अपने कोस टेन टर्म बटा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म मतलब अचल पद बटा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर, अचल पद कॉन्स्टेंट टर्म कि टेन। ठीक है, एक्स स्केयर का गुना कि वन, मतलब कि आंसर आ गया अपने को टेन, एक वैल्यू बेटा माइनस सैवन आ गई, एक आ गया अपने को टेन। ठीक है, अपना आंसर आ गया बेटा जी सी माइनस सैवन तो टेन, इनू आप टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।